नमस्कार, मैं विक्रांत शंके, महाराष्ट्र जीवन लाइव में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एक डर का माहौल, खौफ का माहौल पैदा हुआ है। और इस वायरस को रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और लातूर की इस शहर से, लातूर नगरी से पूरी तरह से इस जनता कर्फ्यू को सहयोग मिल रहा है। आप देख सकते हैं और जानेंगे इसके बारे में। कोरोना प्रभावित लोगों का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है बाहर गांव से आने वाले लोगों को। इसके तहत हम आ गए हैं लातूर बस स्थानक में और हम यहाँ, हमारे साथ है लातूर बस स्थानक के प्रमुख मान्यवर से हम जानेंगे कि किस तरह से जनता कर्फ्यू को यहाँ का प्रशासन प्रतिसाद दे रहा है और क्या सावधानी बरती जा रही है। वो कोरोना वायरस जो आया है इसके वास्ते सब बुक करे वाले थे, लेकिन एक ही पैसेंजर घर से जो बाहर जाने वाले, एक ही पैसेंजर ने बोल के पूरा बस स्टैंड को खड़ा कर दिए। एक ही बस डेपो से बाहर गया भी नहीं और आया भी नहीं। और वो कोरोना के वास्ते जो सावधानी भर देखने की है, तो बस स्टैंड के ऊपर जो भी पैसेंजर आते पुणे मुंबई से, उसको वहाँ पे चेकअप, मेडिकल चेकअप करके बाहर भेज देते हैं। और हम खुद सब लोग मास्क लेके हैंड वॉशर से हाथ धोते हैं। ये सावधानी कोरोना के वास्ते बरसे। तो इस तरह से आप देखते हैं कोरोना को लेकर बस स्थानक में पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। अब मैं मेडिकल शॉप के सामने हूँ और इस मेडिकल के मालिक वारिस जी हमारे साथ है, तो इनसे हम जानेंगे जनता कर्फ्यू के बारे में उनका क्या ख्याल है। आज श्री हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी सर ने जो जनता का कर्फ्यू का जो ऐलान किया था कोरोना वायरस के बारे में, लोगों में जो आज एक वातावरण है उसके लिए मोदी जी ने जो आह्वान किया था उसके लिए जनता ने बहुत अच्छा समर्थन दिया है। मैं आज सुबह दुकान जब खोलने के लिए घर से निकला तो रास्ते में मुझे एक भी आदमी नज़र नहीं आया। दुकान खोलने के बाद भी जो भी सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स जो है, जिनको सब दवा की अत्यावश्यकता है, वही पेशेंट आज आ रहे हैं। आज हम बाहर जो निकले हैं, अभी हम मेडिकल में आए हैं गोली लेने की वजह से। कर्फ्यू के इस माहौल में जो कुछ ज़रूरी सेवाएं हैं जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उन सेवाओं के लिए जो हमारे साथ खड़े हैं, ऐसे पुलिसकर्मी हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो और एटीएम के वॉचमैन जैसे लोग हो, जिन सेवाओं को अनिवार्य तरीके से लगाया गया है, उनके लिए खाना और पानी का बंदोबस्त करने के लिए लातूर शहर में बहुत सारी विभिन्न संस्थाएं काम कर रही है। ऐसी ही संस्था के प्रतिनिधि हमारे साथ है, आइए उनसे जान लेते हैं इस कर्फ्यू के माहौल में और वो क्या कर रहे हैं। हमारी जो दक्षिण सिक्योरिटी सर्विस सेवा है जो ये 7 साल से काम कर रही है, अभी देखो ये खाना और ये इनको पुलिस कर्मियों को नहीं मिल रही है, उनको हम दे रहे हैं। और पानी की बॉटल और सैनिटाइजर ये हमारे लिए दे दिए। नाम गौरी है मेरा, करने का मुझे नहीं। अभी तक 2 घंटे हुए हम चाय बिस्किट वगैरह बांट रहे हैं, जो पुलिस गन वगैरह है उनके लिए 4 बजे से। तो ये था आज का लाइव कवरेज। आपने देखा लातूर सिटी में पूरी तरह से जनता कर्फ्यू को प्रतिसाद मिला है। हम सब मिलकर इसी तरह अगर प्रशासन की सहायता करेंगे और सब मिलकर इस बीमारी के साथ लड़ेंगे तो कोरोना से डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं विक्रांत शंके, कैमरामैन देवव्रत जोशी के साथ, महाराष्ट्र जीवन लाइव।